इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली बताई जाती हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसे मधुमक्खी बड़ी ज्यादा मेहनत से उसे बनाती है। तो आपको बता दें कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कुछ ऐसी तांत्रिक शक्तियां होती हैं जो संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति तो उससे होती ही है, बल्कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है या फिर अगर आप किसी पर वशीकरण करना चाहते हैं या फिर जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा हानि होती है तो इन सभी समस्याओं में मधुमक्खी का छत्ता बेहद लाभकारी बताया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग हैं जो बिल्कुल भी खाली नहीं जाते हैं और जो कोई भी व्यक्ति इन प्रयोग को करता है तो निश्चित ही उसकी सभी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके क्या क्या तांत्रिक प्रयोग होते हैं और जीवन में कौन कौन सी समस्याओं के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खी जो होती है यह माता दुर्गा का भ्रामरी स्वरूप कहलाई जाती है और यही मधुमक्खी बड़ी ज्यादा मेहनत से इस छत्ते को बनाती है, बल्कि केवल एक नहीं बहुत सारी मधुमक्खी मिलकर इस छत्ते को बनाती हैं जिसमें तांत्रिक शक्तियां विराजमान होती हैं। आपको ये भी बता दें कि केवल मधुमक्खी छत्ता वहीं पर बनाती है जहां पर अदृश्य शक्तियां विराजमान होती हैं, जैसे कि कोई पेड़ होता है, कोई घर होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर अदृश्य शक्तियां होती हैं तो बस वहीं पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती हैं। जैसे कि काफी बार ऐसा होता है कि जिस घर में भूत प्रेत आदि बहुत ज्यादा अधिक वास करते हों, किसी प्रकार की नकारात्मक अदृश्य शक्तियां जिस भी घर में वास करती हों, तो वहां पर मधुमक्खी अपने आप ही इस छत्ते का निर्माण करके चली जाती हैं। इसीलिए जब भी मधुमक्खी घर में आती हैं तो इसे बताया जाता है कि आप पर तंत्र क्रिया या किसी प्रकार के भूत प्रेत आदि को आपके पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार हीरा कोयले की खान में बनता है उसी प्रकार जहां पर बहुत अधिक अदृश्य शक्तियां होती हैं, जिस पेड़ पर होती हैं, जिस भी जगह होती हैं, वहीं पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती हैं। और इसी छत्ते में कुछ एक खास प्रकार का मोम भी होता है जिसमें बहुत ज्यादा अधिक तांत्रिक शक्तियां होती हैं, जैसे कि अगर आप पर किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि की बाधा है तो आप बस केवल इस प्रयोग को करके देखें, क्योंकि इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको केवल मधुमक्खी का छत्ता प्राप्त करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग इधर उधर भागता रहता है और बिल्कुल भी आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया है, तो आपको मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है उसकी ज्योत जलाकर उसी दीपक पर तराटक करना है। यह जो मोम होता है इसमें कुछ भी रुई की बाती लगाकर इसे बड़ी आसानी से जलाया जा सकता है और यह बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जलता भी है। और इसी पर अगर आप रोजाना तराटक करते हैं तो मात्र 11 दिन में किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आदि अगर आपको परेशान करता है तो इस तरह से बिल्कुल डर के भाग जाता है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर यानी कि घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं, वे सभी परेशान रहते हैं, उनका मन चिंता में रहता है, तो उन समस्याओं में भी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे अगर आप घर के बिल्कुल बीचों बीच मिट्टी में गड्ढा खोदकर इसे बिल्कुल दबा देते हैं तो उसके बाद बिल्कुल भी घर पर कोई भी प्रकार की तंत्र क्रियाएं, कोई भी काला जादू आदि वगैरह नहीं करवा सकता है। यह इतना खास होता है कि जैसे ही अगर आप इसे प्राप्त करते हैं और इसका एक दीपक जलाकर उसी कमरे में बैठते हैं जहां पर आपने इस दीपक को जलाया है, तो आप इस प्रयोग को स्वयं कर देखें, आपको इतनी सुखद शांति महसूस होने लगेगी कि बिल्कुल मन सुख से ही भर जाएगा, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अधिक परेशानी होती है, उन्हें स्ट्रेस डिप्रेशन इतना ज्यादा हुआ रहता है कि कुछ भी सही से कर ही नहीं पाते हैं, काम करना तो दूर की बात है, सही से सो ही नहीं पाते हैं, खा ही नहीं पाते हैं और जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही बना लेते हैं। तो इस प्रयोग में बिल्कुल भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है इसका दीपक जलाकर अपने कमरे में रख लें और खुद इस चीज को अनुभव करें कि आपको अपने आप ही ऐसा लगने लगेगा कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर से उतर रहा है। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण कराना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से उसको प्रयास कर रहे हैं, पूरी हो नहीं पा रही है, तो आपको केवल इतना करना है कि एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पत्ते पर मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है उसमें सिंदूर मिलाकर अपनी मनोकामना को पीपल के पत्ते पर लिखकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से लगातार अगर 11 दिन कर लिया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होती है।
इस प्रयोग से संपूर्ण मनोकामनाएं केवल 11 दिन में ही पूरी हो जाती हैं। सबसे ज्यादा खास बात तो इस प्रयोग की ये देखें, जितने भी मधुमक्खी के छत्ते के प्रयोग हैं, इनमें किसी प्रकार के मंत्र जाप की, कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो छत्ता होता है, इसका जो मोम होता है, वह अपने आप में ही सिद्ध होता है और संपूर्ण तांत्रिक सिद्धियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में शहद भी निकलता है और वह कितना ज्यादा अधिक मीठा होता है, बल्कि शहद के माध्यम से बहुत सारी चीजें की जाती हैं, उससे संपूर्ण प्रकार के कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से मोम भी निकलता है, जो तांत्रिक शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। अगर आपके जीवन में धन की परेशानी होती है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, कहीं से भी धन का आगमन हो नहीं पाता है, धन की परेशानी लगातार लगी रहती है, तो आपको केवल इतना करना है कि ये मोम प्राप्त करके आपको किसी भी लाल कपड़े में इसे बांधकर अपने घर की तिजोरी में इसे रख लेना है, और वहां पर जो सोने आदि के आभूषण रखे हैं उन पर थोड़ा थोड़ा ये मोम लगा देना है, जो पैसे रखे हैं उन पर भी थोड़ा सा ये मोम लगा देना है। ऐसा करने से जो तिजोरी में सामान रखा है उन पर ये मोम लगाने से घर में उसी चीज की वृद्धि होने लग जाती है। जैसे कि अगर सोने के आभूषणों पर इस मोम को अपने घर में लगाकर रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो इससे आपके घर में सोने आदि के आभूषण अधिक बढ़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर पैसों पर लगाते हैं तो इससे धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं, दसों दिशाओं से धन आगमन के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में तो यही समस्या रहती है कि उनके जीवन में ब्लॉकेज बनी रहती है और कहीं से भी धन उन्हें प्राप्त हो ही नहीं पाता है। तो इतना सरल सा यह प्रयोग है, केवल अपने घर की तिजोरी में पैसों पर इस मोम को आप लगाकर रख दें और खुद ही देखें कि कितना अधिक लाभ आपको मिलता है। अगर आप किसी ऐसी परेशानी से परेशान हैं जिसमें शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है, तो आपको केवल इतना करना है कि इस मोम में आपको काली हल्दी का पेस्ट मिलाकर, यानी कि काली हल्दी का पाउडर उसमें मिलाकर इस मंत्र को लिखना है, ओम अमुक शत्रु नाशाय क्रीम ओम फट, और ये आपको उस जगह पर लिखना है जहाँ पर पीपल का पेड़ होता है, यानी कि पीपल पेड़ की ही जड़ में या पीपल पेड़ के वृक्ष पर ही आप इस मंत्र को लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम आपको लिख देना है और ये मोम से ही लिखना है। ऐसा करने से शत्रु के बिल्कुल उल्टे ही दिन शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऐसे ही किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी इस प्रयोग को आपको नहीं करना है। जब कोई आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है और आपके लिए अधिक परेशानी खड़ी करके रखता है, तभी केवल आपको इस प्रयोग को करना चाहिए, और गलत भावना से आपको बिल्कुल भी इस प्रयोग को ना करें। आपको केवल ऐसी भावना होनी चाहिए कि शत्रु आपके रास्ते से हट जाए, यानी कि बिल्कुल भी आपको परेशान ना करे, इस प्रकार की भावना रखते हुए यह प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है, इससे बहुत ही अधिक प्रचंड और प्रबल वशीकरण भी किया जा सकता है। जैसे कि काफी लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं कि जिससे वह प्रेम करते हैं या जिससे उनकी शादी हो गई है, वह उनकी बात नहीं मानता है, जिसके कारण उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को इस मोम से उसके माथे पर, थर्ड आई पर तिलक कर देना है, और क्लीम मन में बोलते हुए करना है, यानी कि जब भी आप तिलक लगाएंगे तो उस समय आपको क्लीम क्लीम बीज मंत्र को बोलते हुए, क्लीम जो होता है सम्मोहन का बीज मंत्र होता है, यही मंत्र मन में बोलते हुए उस व्यक्ति को अंगूठे की सहायता से तिलक लगा देना है। आपको ये भी बता दें कि थर्ड आई के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित, आकर्षण, वशीकरण में बांधा जाता है, तो यही इस प्रयोग से शुरू हो जाता है। वह पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाता है, फिर आप जो भी चीजों को चाहते हैं केवल वही करने लग जाता है। इस प्रयोग को और भी अधिक प्रचंड तरीके से भी किया जाता है, लेकिन उसके बारे में बताएंगे तो काफी लोग उसका मिसयूज उठा सकते हैं। लेकिन यह जो हमने प्रयोग बताया है आपको, इससे जिससे भी आप प्रेम करते हैं वह बिल्कुल आपकी बात मानेगा और बिल्कुल भी आपको दिल को परेशान नहीं करेगा। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं ये बेहद खास हैं, और अगर आप मधुमक्खी का छत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह देखें जहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता होता है, बस वहाँ पर थोड़ा सा धुआं कर दें। ऐसा करने से वह मधुमक्खी वहाँ से छत्ता खाली कर चली जाती हैं और उस समय बड़ी आसानी से आप उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस समय मधुमक्खियाँ होती हैं उस समय बिल्कुल भी उस छत्ते को छूने की कोशिश बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अधिक नुकसान भी हो सकता है। केवल धुएं से ही मधुमक्खियों को भगाकर आपको उसको छत्ते को तोड़ना है और फिर इसका लाभ उठाना है। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छी जानकारी को आपको अवश्य शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर भी अवश्य कर दें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।